ये मोंडी है, मोंडी बगल वाले गांव से ही है, ढटम से। तो हम लोग इसका ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थे। ट्रीट ऑन स्ट्रीट माने ये कि जैसे अगर हमें किसी जानवर के बारे में कॉल आती है कि उसको चोट लगी हुई है और हम उसको ला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ जाके जितना इलाज हो सकता है तो करते हैं। तो मोंटी को ये है कि गाड़ी मार गई थी और ये खड़ा होने में इसको दिक्कत हो रही थी और थोड़ी सी इसकी चोट थी, तो पेन किलर लगे तो ये खड़ा होना तो इसने शुरू कर दिया, पर इसका जो चोट है ना उसमें पस पड़ गई। एंटीबायोटिक जो है इसका कोर्स पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि ये बीच बीच में मिलता नहीं था। तो हाल ही में हमारे पास जगह बनी तो हम इसको ले आए। अब इसका यहाँ पे साहिल जो है इसका इलाज कर रहा है, ये दिव्या हमारी वॉलेंटियर है, दिव्या हेल्प करा रही है। पर हम जितना भी कर लेना, हम बस आप मानिए कि एक जुगाड़ है कि जिसको चोट लगी है उसको हमने ठीक कर दिया, क्योंकि ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं हो रहा। लोग तो आए दिन गाय को बैल को सड़क पे छोड़ रहे हैं। अब बड़े सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि आप सरकार को कहिए कि गाय छोड़ने पे, बैल छोड़ने पे बड़ी भारी जुर्माना होना चाहिए, जेल हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से तो जुर्माना वगैरह तो है, पर मुझे एक बात बताइए, जोर जबरदस्ती करके अगर वो लोग जो इन्हें रखना चाहते नहीं उन्हें हम जबरदस्ती रखवा भी देते हैं, तो क्या वो लोग इनका ध्यान रखेंगे? क्या वो लोग इन्हें खाना देंगे, पानी देंगे, जरूरत पड़ने पे चिकित्सा कराएंगे? मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अगर ससुराल वाले आपकी बेटी को मारते पीटते हैं और आप हर बारी उन्हें समझा बुझा के बेटी को वापस वहां भेज देते हैं, तो एक दिन क्या होगा? एक दिन बस उसकी खबर ही आएगी। तो ये तो कोई समाधान हुआ नहीं। जितनी हमारी समझ में आ रहा है हम वो कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है, पर प्लीज आप सुझाइए कि इस समस्या का क्या निदान है।